जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और आज हमारा जो प्लान है वो है औरोविला का। तो आज हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं घूमने के लिए, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें और आपको दिखाने वाले हैं। तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, बहुत दूर तक पैदल पैदल जाना पड़ता है, पूरा जंगल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए अंदर तक, तो वही आपको दिखाएंगे आज हम। और आज बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाएंगे। और आज भावना के घर पर डिनर पर भी जाना है, तो शाम के टाइम जाएंगे। अभी पहले औरोविला जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग जाएंगे डिनर पे, क्योंकि जितनी भी हमारी यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, मतलब हमारे राजस्थान के जितने भी फैमिली वाले रहते हैं, वो सब ने इनवाइट किया है एक एक दिन खाने पे। तो आज का जो डिनर है वो गोपाल भैया के घर पे। कल का हम लोग निकलने का प्लान है कन्याकुमारी और रामेश्वरम। तो कन्याकुमारी रामेश्वरम मेरा जाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं है वो सारे रीज़न आपको मैं आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगी। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये ब्लॉग कल से ही स्टार्ट है, कल ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने हाफ वाला जो है आज एडिट किया है, आज डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ से आगे हम लोगों ने, यहाँ से आगे तक मैंने दिखा दिया था आपको, बट ये वाले जो क्लिप्स थी जो यहाँ पे हम पेड़ पे झूल रहे थे, पेड़ पे जो मस्ती करी हम सब लोगों ने, वो डोंट लटको, डोंट लटको लिख रखा है, डोंट लटको। आदि इधर छूटे थे वो पेड़ झूले पे झूलने वाली क्लिप किस किस को अच्छी लगी? पेड़ पे झूले जरूर बताना कमेंट करके। पेड़ की है दीदी, देख रहे ये तीनों मिल जाए, हम पोज दोगे तो मेरी फोटो खींचो। भारती मामी के अलावा कोई ने पोज ही नहीं दियो। यहाँ पे इतनी कूल जगह है कि यहाँ पे फॉरेनर लोग होते हैं, अंग्रेज लोग जो होते हैं बाहर के, इंडिया से बाहर के और विदेशों से लोग घूमने आते हैं, इसको देखने आते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा गोल बॉल के जैसे आकार का एक सामने दिख रहा है, येलो कलर का ऐसा एक बॉल बना हुआ है और उसके अंदर दो मंजिले मकान बनी हुई है। उसके अंदर ही उसमें मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, योगा करवाते हैं, बहुत सारी थेरेपीज देते हैं लोगों को। ओ जी जी गनी तो देख, गनी क्या कर रहे हो या वो उससे बात हमको पता रहे था रानी मुस्ताम लियो जेवर मुस्ताम लियो की करानी के ग्राम की गोपाल मतलब या वो पूरी देर वाली हां तो भी कहता तो भाई इतने घुमा करा और दूसरे कपड़ा नहीं देखो, खुद का कपड़ा लिया है। देखो देख भाई, उपदेश भाई देख, और लोकेश भाई लोकेश देख मेरा तंडा और सवा तीन तक आया है। ये लो बहुत बड़ा, एक पसीना जा रही देर तक, दो मिनट तक कम से कम। ये है वो बॉल जिसके अंदर जो है ना क्या बोलते हैं, बहुत सारे योगा, बहुत सारी थेरेपीज, बहुत सारी और भी चीज़ें की जाती है और ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है। इसके अंदर जाने की परमिशन कभी मिलेगी तो पक्का मैं अंदर से दिखाऊंगी। अभी कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से बंद करके रखा है। इसमें मेरे जो हाउस ओनर है हमारे, वो जॉब करते हैं बट वो उनको टाइम नहीं मिलता तो दिखाने का अंदर से मौका नहीं मिल रहा है अभी कोविड की वजह से। कब जब भी जाना होगा पक्का मैं अंदर से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये बाहर का व्यू है, इसका बनाने का तरीका बहुत अलग है, बिल्कुल सोने के जैसा लगता है, बॉल जैसा आकार है बट अंदर इसमें मकान बना हुआ है, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारी योगा करवाते हैं बाहर से जो लोग आते हैं, अंग्रेज फॉरेनर वगैरह उनको योगा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं।
पापा के पास, पापा के पास बिट्टू इधर जल्दी आ, जल्दी इधर 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 नहीं नहीं फोटो है कसम से भैया, पहले फोटो 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 मेरे मोर खेचो तो यही मैं ले लीजिए। भारती तने कहा डर रहा है कहाँ कम है मेरा मेरा एक पहले पहले मैं नहीं हमारे फोटो ये की परियाम ले ले हमें से ए अभी छाड़ दो पोर्ट्रेट पे खींचू। हाँ नॉर्मल पे अरे बेटा ले ओ कोई बोला पकड़ो अब आपके पकड़ रखे थे मेरे को पकड़ सको था इधर वीडियो चल रही है दोनों चीजें भाई फोटो खींच जाए क्वालिटी अच्छी नहीं है मेरे तो सामने देख ले बेटा लुक एट मी प्लीज मुस्कुराओ ना दिखाओ ना सब एक साथ पी करो पी टकराव एक थोड़ी गई नन्नू नन्नू कोई और बुलाओ हम देख रहा हूँ झले भी होना अच्छा लग रहा है देखते वाह कलाकंद वाह कलाकंद। उसी के साथ साथ यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए हुए, पेड़ों की आकार बहुत ही अच्छे से मेंटेन, कटिंग वगैरह उनको अच्छे से रखना, देख रेख करना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा घास वगैरह सूखा हुआ था, अदरवाइज़ इसके नीचे जो पेड़ लग रहे हैं बड़े बड़े, इनके नीचे भी हल्की हल्की सी घास लगी हुई है जो कि बरसात के टाइम पर इतनी ग्रीन हो जाती है, हरी हरी, कि जहाँ देखोगे वहाँ चारों तरफ आपको हरा भरा ही हरा भरा दिखाई देता है। इतना अच्छा लगता है, माइंड को जो है, मन को है जो शांति मिलती है थोड़ा सा, और माइंड जो है फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और भावना देवी कैसा रही तेरा आज का टूर? राजकुमार जी कैसी लगी पो का खे और वाला? अच्छा लगा, हम तो पहले के देखे, पहले तो बात टाइम बरसात के टाइम पे ज्यादा अच्छा लगा है नी पूरा। गोपाल यहाँ खेरो गोपाल मैं ब्याह नौ महीना नहीं हुए तुम्हारे तो गोद में वाले और लोड चल रही है गाड़ी। और भावना सामने सामने भारती देख सामने हाय घन चक्कर का हो भावना भारती का हो आ जाओ दोनों बच्चे। अरे वाह आधा आधा देख ठंडी ठंडी आवाज यहाँ तो कहे आजा ये मेरे दद्दू की छान अच्छी लग रही है ना पर मम्मी देखो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है उधर से निकल के आ गए। उससे आगे आके यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी और भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे कि छोटा सा पार्क है, पेड़ पौधे है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ये इंसान आज ना के नहीं आया था इसलिए यहाँ पे आके मुंह धोया है। लटक भारती खा दाढ़ी टूटा है और पेड़ सर के लटक जा नहीं टूटा आ जाओ। हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और आपको मैं दिखा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा ट्री जिसके नीचे बैठ के आप ठंडी ठंडी हवा ले सकते हो, और बहुत नीचे तक है, अपन ऐसे खड़े रहेंगे तो बिल्कुल सिर के नीचे अड़ता है देखो। और इसकी जड़ इतनी सुंदर है कि क्या बताऊँ आप लोगों को, ये देखो ये वाह
बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पे फोटोज वगैरह भी क्लिप करी है हमने, तो वो हम मैं जाके दिखाऊंगी आप लोग घर पे। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी सारे लोग घूमने आए, हम सब लोग हैं भारती वगैरह सभी। तो चलते हैं अभी यहाँ से क्योंकि परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। सबसे पहले लग रही है मुझे गर्मी, तो मैं सोच रही हूँ कि मुँह धो लेती हूँ। और लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो बैठे हुए हैं यहाँ पे साइड में। ट्री हाउस बन गया, ट्री हाउस ही है। मम्मी आ रहा है, यहाँ खड़े इधर। ये स्पेशल गुड़िया, इसका मुंह फूलों का बनाया हुआ है। स्पेशल वो है, वो क्या बोलते हैं, आ रहे स्पेशल वो है ये डमी। बिल्कुल अच्छा है, मतलब इससे बिट्टू और बुला का सफर कैसा रहा आपका? पैरों में दर्द और टांग तोड़ लाए टांगे तोड़ लाए चलते चलते हैं। खाने? तुम दोनों का कैसा रहा और बुला का सफर? हमारे भी वही हुआ, पैरों में दर्द सेम टू सेम। अच्छा जी, इसमें दे देती हूँ तुम्हें। ए कानू ऐसे काम मत करा यार, इधर आ। तो यहाँ पे नन्नू सो चुकी है और नन्नर पोटी खा करी पागल बैठ खा की, इसने पोटी वो तो कल की थी यार, मत करो यार बिट्टू। तो कल की थी तो की थी। जल्दी 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 जेल लो, जल्दी जल्दी सूख ली सी सकलन के दिन को तो नहीं मिले। मैं टॉर्च चाय चलने में नोटा दिया, मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखियो हम इसको नहीं ले, बहुत गंदे हो रहे हैं बिट्टू, ऐसे कर। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भावना के यहाँ पे डिनर करने के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बच्चे थक चुके थे, ज़्यादा सूट नहीं किया घर पे आने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग तो